गुरुकुल के ऑनलाइन कक्षाओं में मैं पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। जीपीएससी मुख्य परीक्षा की ओर हम लोग चल रहे हैं और 1857 की क्रांति के कारणों के बारे में हम लोग जान रहे हैं, समझ रहे हैं और उसे कैसे लिखना है, प्रस्तुतिकरण करना है आपको अपने आंसर में, इसके बारे में संस्थान आपको डिटेल्स में पूरा बतला रही है। छात्रगण, पिछली कक्षाओं में आपने 1857 की क्रांति के राजनीतिक कारणों का अध्ययन किया था। छात्रगण, आज हम लोग अगली कक्षाओं में जान रहे हैं छात्रगण, इस विद्रोह के आर्थिक कारण कौन कौन से थे, इकोनॉमिक रीजन कौन कौन से थे, इसे हम लोग जानेंगे छात्रगण। और इसे ही आपको प्रस्तुत करना है अपने जो है उत्तर पुस्तिका में या जो आप आंसर लिखेगा वहां पर, और इसी अंदाज में प्रस्तुत करना है। आर्थिक कारण ऊपर लिख लेना है और चार पॉइंट में इसको ड्राफ्टिंग कर देना है छात्रगण, ताकि एग्जामिनर समझ जाए कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। आपका लिखने का शैली दूसरों से अलग है, आपको नंबर अच्छे मिलेंगे ही, ध्यान रखेंगे छात्रगण। पहला पॉइंट है धन का निष्कासन, जिसे ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है, ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ भी कहा जाता है। छद्म, क्या था धन का निष्कासन? छद्म, भारत का पैसा, भारत का खनिज संसाधन इंग्लैंड जा रहा था और भारत आर्थिक रूप से बदहाल होता जा रहा था, आर्थिक रूप से कंगाल होता जा रहा था, आर्थिक रूप से चौपट होता जा रहा था। भारत की जीडीपी बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच गई थी और भारत में प्रति व्यक्ति आय मात्र 20 रुपए वार्षिक, दादा भाई नौरोजी ने बतलाई थी। छात्रगण, सोचिए हम कितने गरीब हो गए थे, हम कितने लाचार हो गए थे, हम आर्थिक रूप से कितने ज्यादा निम्न स्तर पर चले गए थे कि प्रत्येक भारतीय की वार्षिक आय मात्र 20 रुपए थी, जो कि दादा भाई नौरोजी ने उस समय बतलाया था। और सबसे पहली बार धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या करने वाले प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और शास्त्री थे दादा भाई नौरोजी। छात्रगण, इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एवं अपने एकालेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की है। छात्रगण, इन्होंने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, है ना। पूछेगा कौन से वह पहले अर्थशास्त्री और राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की थी? दादा भाई नौरोजी थे छद्मगन, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। छद्मगन, दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहली बार धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की थी, उन्होंने अपनी किस पुस्तक में इसकी व्याख्या की थी? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में, यह भी आपको अपने उत्तर में लिखना है छद्मगन, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया गया था, है ना। किस आलेख में किया था? इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में किया था, उन्होंने धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया नामक आलेख में किया था। क्या था धन का निष्कासन? भारत का खनिज संसाधन, भारत की धन संपदा इंग्लैंड चली जा रही थी और भारत आर्थिक रूप से कंगाल बदहाल होता जा रहा था। प्रत्येक भारतीय की वार्षिक आय दादा भाई नौरोजी के अनुसार मात्र 20 रुपये थी। कितने थी छात्रगण? मात्र 20 रुपये थी। यह भी आपको छात्रगण याद रखना होगा, यह भी मनन करना होगा, यह भी अध्ययन करना होगा, यह भी आपको छात्रगण याद रखना होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह भी प्रतियोगिता परीक्षाओं का, है ना। तो धन का निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। आपको बतलाना होगा अपने आंसर में, है ना, कि धन के निष्कासन सिद्धांत की सर्वप्रथम व्याख्या प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी दादा भाई नौरोजी ने की थी। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और अपने आलेख इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया में धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या की थी। इन्होंने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। इनका मानना था कि भारत से खनिज संपदा, धन संसाधन इंग्लैंड की ओर जा रहे थे, जिससे भारतीय गरीब और लाचार होते जा रहे थे। भारत का आर्थिक विकास दर बिल्कुल निम्न स्तर पर पहुंच चुका था और भारत में प्रति व्यक्ति आय उस समय मात्र 20 रुपये वार्षिक थी, है ना। इस बात को आपको अपने आंसर में देना होगा, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आप क्या बताना चाह रहे हैं छात्रगण, ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट की ओर आते हैं हम लोग छात्रगण, स्थायी बंदोबस्त प्रणाली, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, है ना, जिसे जमींदारी प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली भी कहा जाता है। छात्रगण, किसने शुरू किया था? 1793 में शुरू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा।
छतगन 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने स्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। छतगन स्थाई बंदोबस्त प्रणाली क्या थी और किस तरीके से इसने भारतीयों का शोषण किया? छतगन इसे जमींदारी प्रणाली, जागीरदारी प्रणाली, इस्तेमालदारी प्रणाली, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम सभी के नाम से जाना जाता है। गौर कीजिएगा, छतगन क्या किया जाता था इसमें, प्रत्येक गांव में एक जमींदार नियुक्त कर दिया जाता था और वह जमींदार छतगन किसानों से लगान वसूलता था और उसके बदले में उस जमींदार को कमीशन दिया जाता था। छतगन यदि वह 100 रुपया वसूलता था तो 11 रुपया उसको कमीशन के तौर पे मिलता था और 89 रुपीज उसको जमा करना पड़ता था ब्रिटिश राजकोष में, है ना। जमींदार को नियुक्त किया जाता था स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के तहत प्रत्येक गांव में, जो कि भारतीय व्यक्ति होता था, और उसका काम क्या था, लगान वसूलना। छतगन लगान वसूल करके वह अंग्रेजी राजकोष में जमा करता था और बदले में उसे क्या मिलता था, 11% मात्र कमीशन मिलता था और 89% वह अंग्रेजी राजकोष में जमा कर देता था। छतगन सोचिए अंग्रेजों का दिमाग कितना तेज था। अंग्रेजों ने भारतीयों द्वारा ही भारतीयों पर शोषण करवाया और खुद माल कमाया, आर्थिक दोहन किया। छतगन साधन संपन्न बनते चले गए। छतगन जमींदार कौन था जो नियुक्त किया जाता था गांव गांव में अंग्रेजों द्वारा, भारतीय। कृषक कौन था, भारतीय। जमींदारों ने किसका शोषण किया, कृषकों का, बलपूर्वक लगान वसूला और छतगन अंग्रेजों तक पहुंचाया। मात्र कितना कमीशन मिलता था, मात्र 11%। सोचिए इस लालच में, छतगन कमीशन के लालच में जमींदारों ने अंग्रेजों के पास जम के भारतीय पैसा पहुंचाया। चूंकि कृषि प्रधान देश था, भारत की 90% से भी ज्यादा जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी छतगन, तो इस कारण से जो है कृषकों का जमकर जमींदारों ने शोषण किया था। स्थाई बंदोबस्त प्रणाली भी 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण थी। पूछेगा स्थाई बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था, 1793 में किया था छतगन, है ना। क्या था यह प्रणाली, प्रत्येक गांव में एक जमींदार को नियुक्त कर दिया जाता था जो कि कृषकों से लगान वसूलता था और उसे कुल वसूले गए लगान का 11% कमीशन के तौर पर दिया जाता था और 89% हिस्सा वो ब्रिटिश राजकोष में जमा करता था। कमीशन के लालच में जमींदार कृषकों से बलपूर्वक लगान वसूलता था जिसके कारण कृषकों में असंतोष हो गया और यही विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना था। छतगन स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को भी आप याद रखेंगे, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, है ना। नेक्स्ट आइएगा छतगन, जिसको हम लोग समझेंगे और जो आपको लिखना है मेंस में, कृषकों का शोषण। छतगन अंग्रेजी सरकार के मन में भारतीयों के प्रति दया माया से लेकर के संवेदनशीलता बिल्कुल नहीं थी। ये संवेदनहीन सरकार थी छतगन, जिसके दिल में कुछ भी अच्छा नहीं था। केवल इनका उद्देश्य एकमात्र था भारतीयों का आर्थिक दोहन करना, भारतीयों का आर्थिक शोषण करना, दमन चक्र चलाना और इन्हें केवल लूटना खसोटना ही आता था। छतगन कृषक बेचारे इतने परेशान थे कि जब अकाल, बाढ़, सुनामी, चक्रवात, तूफान, बाढ़, सूखा, महामारी से फसल बर्बाद हो जाती थी उसके बाद भी इन्हें लगान जो है देना पड़ता था। अंग्रेजी सरकार इनसे बलपूर्वक लगान वसूलती थी, जमीन बेच करके लगान वसूलती थी, घर बेच करके, पत्नी के जेवरात बेच करके, बर्तन बेच करके इन्हें लगान देना पड़ता था। छतगन ये भी एक दुखद पहलू था। छतगन जिन किसानों के हाथ में कुदाल फावड़े होते थे उन किसानों ने भी तलवार और बंदूकें थाम ली थी। यहां भी न्यूटन के तीसरे गति का नियम लागू होता है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया। और छतगन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जलजला आया, कृषकों ने भी हथियारों को थाम लिया। क्यों, क्योंकि अंग्रेजों ने उनका जमकर शोषण किया था, जमींदारों ने उनका जमकर शोषण किया था। प्राकृतिक विपदाओं के बावजूद, अकाल, सुनामी, सूखा, महामारी, बाढ़ के बावजूद भी उनसे बलपूर्वक लगान वसूला जाता था। ये छतगन 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुआ था, कृषकों का शोषण, जिसे आपको अपने मेंस की परीक्षा में डिटेल्स में डील करना होगा, ध्यान रखिएगा, है ना। नेक्स्ट है छतगन, लघु एवं कुटीर उद्योगों का पतन। छतगन अंग्रेज क्या करते थे, देखिए इनका कितना तेज दिमाग था, ब्रेन गेम ये खेलते थे। भारत का सारा कच्चा माल छतगन इंग्लैंड भेज दिया जाता था। इंग्लैंड के कारखानों का तैयार माल भारत के बाजारों में कम मूल्य पर बेचा जाता था। अब छतगन जो भारत के कारीगर थे, दस्तकार थे, जो कपड़ा बुनते थे, बुनकर थे, जो मूर्ति बनाते थे, है ना, जो बेचारे
चादर बनाते थे, कालीन बनाते थे, सफा का काम करते थे, है ना, सबके पेट पर लात पड़ गई। छतगन मशीनीकरण ने कारखानों से बना हुआ सामान सस्ते दर पर जब मिलता था तो भारतीय बाजारों में बनाए गए सामान को, कुटीर एवं लघु उद्योगों के द्वारा बनाए गए सामान को कोई भी नहीं खरीदता था। इस प्रकार से छतगन हमारी अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी गई, बेरोजगारी अपने चरम सीमा पर पहुंच गया और छतगन आप जानते हैं भूखे पेट भजन न होई गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। छतगन पेट ही एक ऐसा चीज है जो मनुष्य को कुछ भी कर गुजरने के लिए मजबूर कर देता है, है ना। कहा भी गया है पापी पेट का सवाल है, छतगन पेट ही हमें सब कुछ करवाता है और पेट ही के द्वारा हम जीवन में जो है हर कार्य को करने के लिए होते हैं। यदि पेट ना हो तो हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। छतगन मनुष्य एक निष्क्रिय प्राणी बन जाएगा क्योंकि उसे भोजन जुटाना पड़ता है, इसलिए वो सक्रिय होता है। छतगन अंग्रेजों ने क्या किया, लघु और कुटीर उद्योगों में लगे हुए हमारे कामगार, दस्तकार, कारीगर, मजदूर भाइयों के पेट पर लात मार दी और वे बेरोजगार हो गए। छतगन यहां भी न्यूटन का तीसरा गति का नियम लागू हुआ, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया, और अंग्रेजी साम्राज्य के खिलाफ बिगुल फूंक दिया हमारे कारीगर भाइयों ने, दस्तकार भाइयों ने, मजदूर भाइयों ने, और ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने भी हथियार उठा लिया। छतगन ध्यान रखिएगा, है ना। तो कुटीर एवं लघु उद्योगों का पतन में भी आपको लिखना होगा छतगन कि अंग्रेज भारत का कच्चा माल इंग्लैंड ले जाते थे और वहां के कारखानों से तैयार माल भारत के बाजारों में कम मूल्य पर बेचते थे, जिसके कारण भारत के कुटीर और लघु उद्योगों में कार्य कर रहे कारीगर, दस्तकार, मजदूर, शिल्पकार बेरोजगार हो गए और विद्रोह में शामिल हो गए। तो यह है छतगन 1857 की क्रांति के आर्थिक कारणों को हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे छतगन सामाजिक एवं धार्मिक कारण। छतगन आर्थिक कारणों के बाद हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति के सामाजिक एवं धार्मिक कारण कौन कौन से थे छतगन, है ना, सोशल एंड रिलीजियस रीजंस, जिसके तहत चार बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। इन चारों पॉइंट्स को आपको अपने एग्जामिनेशंस में लिखना होगा, ध्यान रखिएगा। छतगन पहला पॉइंट है सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, जिसे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट भी कहा जाता है। छतगन क्या था यह नियम, किसने इसकी शुरुआत की थी? छतगन इसकी शुरुआत 1856 में भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने की थी। किसने की थी छतगन? 1856 में लॉर्ड कैनिंग ने सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम की शुरुआत की थी, ध्यान रखिएगा। छतगन क्या था सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम, क्या था जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट, और कैसे यह सामाजिक और धार्मिक कारणों के रूप में उभर कर सामने आता 1857 की क्रांति में, जो कि आपको मुख्य परीक्षा में लिखनी होगी जेपीएससी की, ध्यान रखिएगा। छतगन सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम एक ऐसा अधिनियम था, एक ऐसा एक्ट था, जब भी कोई भारतीय व्यक्ति अंग्रेजी सेना में शामिल होना चाहता था तो उसे एक दस्तावेज पर, जो कि अंग्रेजों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, हस्ताक्षर करने होते थे। उस दस्तावेज पर क्या लिखा होता था, वह अंग्रेजी सेना के साथ समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा पर जाएगा, परंतु तत्कालीन परिस्थितियों में तत्कालीन सामाजिक और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा को घोर पाप माना जाता था। जो भी ऐसा करके आता था उसे समाज से निष्कासित कर दिया जाता था। छतगन भारतीय सैनिक जो अंग्रेजी सेना के साथ अमेरिका, यूरोप, अन्य देशों की यात्रा पर जाते थे, जब वो भारत लौटते थे तो उन्हें भारतीय समाज से निष्कासित कर दिया जाता था, उनका हुक्का पानी, दाना पानी बंद कर दिया जाता था, उनके यहाँ से कोई भी संबंध नहीं रखा जाता था, सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता था। छतगन जिस व्यक्ति का सामाजिक बहिष्कार होता है उसके दिल पर क्या बीतती है, ये वही व्यक्ति जानता है जिसके साथ ऐसा होता है। छतगन बहुत ही दुखद पहलू था ये, और यही वेदना, यही दुख, यही पीड़ा, यही अंतर्मन का जो नकारात्मक विचारधारा आ गया सैनिकों के मन में कि बताओ ब्रिटिश सेना के लिए हम लोग गोली खाते हैं, ब्रिटिश सेना के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं,
और बदले में हमें क्या मिलता है, समाज से निष्कासन। बदले में हमें क्या मिलता है, समाज से बेइज्जती, अपमान, है ना, वही सामाजिक बहिष्कार। और यह घटना भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण साबित हुई थी। तो छतगन, सामान्य सेवा भत्ते अधिनियम की शुरुआत किस गवर्नर जनरल ने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। कब किया था, 1856 में किया था। क्या था यह नियम, ऐसे भारतीय व्यक्ति जो कि ब्रिटिश सेना में भर्ती होना चाहते थे उन्हें एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना होता था जिसमें वह स्वीकार करते थे कि वह ब्रिटिश सेना के साथ समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा पर जाएंगे। परंतु तत्कालीन सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र यात्रा और विदेश यात्रा को घोर पाप माना जाता था और ऐसा करने वाले को समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। और यह घटना भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण साबित हुई थी। छात्रगण ध्यान दीजिएगा, बस यही चीज को आपको लिखना है, जो कि नोट्स भी हम लोग प्रदान करेंगे, ध्यान देंगे। छात्रगण समझना ज्यादा जरूरी है, छात्रगण समझ जाइएगा तो आप लिख भी दीजिएगा, अपने शब्दों में भी आप लिख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पीडीएफ मोड में आपको नोट्स दिए जाएंगे, आप एक बार उसे भी पढ़ लीजिएगा तो वह और पुख्ता हो जाएगा। फिर आपको अपनी प्रैक्टिस करनी है खुद लिखने की, क्योंकि जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा छात्रगण, परफेक्शन नहीं आएगा। आप कितना भी जान रहे हो लेकिन लिखने की प्रैक्टिस यदि घर पर आपने नहीं की है तो विश्वास मानिए मुख्य परीक्षा के एग्जाम में, हॉल में, एग्जामिनेशन हॉल में आपका कलम रुक जाएंगे छात्रगण। वहां पर तात्पर्यता आप नहीं बैठा पाओगे जब तक प्रैक्टिस नहीं किए हुए रहोगे। कहा भी गया है प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस किया हुआ व्यक्ति हमेशा धुरंधर कार्य करता है। इसलिए आप देखते होंगे कि मैच के पहले नेट प्रैक्टिस की जाती है, क्रिकेटर्स हों, फुटबॉलर्स हों, जितने भी गेम्स के होते हैं सभी लोग प्रैक्टिस जरूर करते हैं। एक टीचर भी जब पढ़ाने आता है तो उसके पहले वो घर पे पढ़कर आता है, हर बात को देख करके आता है ताकि वह स्टूडेंट्स को ज़्यादा अच्छी से अच्छी सामग्री दे सके, उन पर मेहनत कर सके, उन्हें अच्छी भाषा में समझा सके। इसलिए प्रैक्टिस किए बिना कोई भी परफेक्ट नहीं होता है छात्रगण, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो छात्रगण सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के पश्चात हम लोग आते हैं ईसाई मिशनरियों को धर्म प्रचार की अनुमति। छात्रगण 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई। छतगन ईसाई मिशनरियां जब भारत में आई तो इसने सीधे साधे भारतीय लोगों को लालच देकर, लोभ देकर के, रोजगार देकर के और कई तरह के लोभ देकर के ईसाई धर्म में परिवर्तन कराना शुरू कर दिया। छतगन इससे भारत में रह रहे कट्टरवादी हिंदू संगठनों को आपत्ति हुई कि ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति क्यों दी गई है, ये धर्म प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, ये धर्म परिवर्तन कराने आ रहे हैं, ये सीधे साधे भोले भाले लोगों को ईसाई धर्म में परिवर्तित करने आ रहे हैं और अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए आ रहे हैं, ये लोग धार्मिक रूप से भारतीयों का पर अत्याचार करने आ रहे हैं और ये लोग भारतीयों का शोषण करने के लिए आ रहे हैं। छतगन धर्म परिवर्तन हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। छतगन संविधान का अनुच्छेद 25 से 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है, लेकिन यह भी कहता है कि धर्म परिवर्तन करने का अधिकार सभी को है लेकिन अपनी इच्छा के अनुसार, है ना, किसी के प्रेशर में आकर के नहीं, किसी के दबाव में आकर के नहीं, आप अपनी इच्छा के अनुसार धर्म परिवर्तन कर सकते हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा, है ना। तो छतगन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। पूछेगा किस एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी, 1813 के चार्टर एक्ट के तहत दी गई थी, है ना। छतगन आपको इसमें लिखना होगा कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई थी। छतगन 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दे दी गई और धर्म प्रचार की जो अनुमति दी गई थी, ईसाई मिशनरी जब भारत में आई तो इन्होंने भारत में धर्म प्रचार तो किया ही, भोले भाले भारतीयों को ईसाई धर्म में परिवर्तन करना भी शुरू कर दिया, जिससे भारतीयों के मन में असंतोष की भावना भर गई और यह घटना भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण साबित हुई थी। छतगन ध्यान दीजिएगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट आइएगा छतगन, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। छतगन 1850 में इस कानून को ला डलहौजी ने लागू किया था भारत में, है ना। क्या था छतगन ये कानून, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम क्या था छतगन, यह पिता के संपत्ति पर पुत्र के अधिकार से संबंधित मामला था। छतगन यदि कोई व्यक्ति धन परिवर्तन कर लेता था तब भी
पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार यथावत बना रहता था, यही था धार्मिक अयोग्यता अधिनियम। छतगन, इस अधिनियम के कारण भारतीयों के मन में आक्रोश आ गया कि बताओ, कोई भी व्यक्ति धन परिवर्तन कर ले रहा है तब भी उसकी संपत्ति, यानी कि उसके पिता की संपत्ति पर उसका अधिकार है। इससे भारतीयों के मन में एक असंतोष की भावना आ गई और यह घटना भी 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बनी थी, धार्मिक अयोग्यता अधिनियम 1850। ध्यान रखेंगे छतगन, ये संपत्ति से जुड़ा हुआ मामला था, कर करेंगे। छतगन, अंतिम पॉइंट है सामाजिक एवं धार्मिक कारणों के तहत भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। छतगन, भारतीय लोग परंपरावादी सोच के थे, ट्रेडिशनल सोच थी इनकी, पुरातन सोच, पुरानी परंपराएं जो चली आ रही थी छतगन, वो इनकी चल रही थी। सती प्रथा, पति के मरने के बाद पत्नी को पति की चिता में जिंदा जला देना, विधवा विवाह को मान्यता नहीं देना, बाल विवाह करना, है ना, कन्या हत्या कर देना छतगन, ये सब अशिक्षा, ये सब चीज़ें रूढ़िवादिता समाज में व्याप्त थी। नारी अशिक्षा, पर्दे में नारी को रखना, है ना, ये सब चीज़ें भारतीय समाज में व्याप्त थी। अंग्रेजों ने छतगन क्या किया, सती प्रथा को बंद कर दिया, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दी, कन्या हत्या पर रोक लगा दी, बाल विवाह पर रोक लगा दिया। तो छतगन, हमारे परंपरावादी सोच वाले भारतीयों को लगा कि अंग्रेज हमारे यहाँ शासन तो कर रहे हैं, हमारे धार्मिक और सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप कर रहे हैं, इंटरफेरेंस कर रहे हैं, और ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ। छतगन, जो परंपरावादी सोच के थे, रूढ़िवादी सोच के थे, उन्हें लगा कि अंग्रेज जबरदस्ती हमारे नियमों में हस्तक्षेप कर रहे हैं, हमारी परंपराओं को चोट पहुंचा रहे हैं, और यही घटना 1857 की क्रांति के विद्रोह का एक प्रमुख कारण साबित हुई थी छतगन, जिसे आपको ध्यान रखना होगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए पैनी निगाहें आपको रखनी होगी। तो छतगन, इसे आपको मेन समय कैसे लिखना है, भारतीयों के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति। छतगन, आपको लिखना होगा कि अंग्रेजों ने सती प्रथा, बाल विवाह, कन्या हत्या पर रोक लगा दी तथा विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दे दी, जिसके कारण परंपरावादी सोच के भारतीय, परंपरावादी सोच के भारतीय जो अंधविश्वासों में विश्वास करते थे, जो अंधविश्वासों में विश्वास करते थे उनकी भावनाओं को आघात लगा, उनकी भावनाओं को आघात लगा तथा 1857 की क्रांति के लिए यह एक महत्वपूर्ण घटना साबित हुई। है ना? हाँ, इसके बाद छतगन हम लोग जानेंगे सैन्य कारणों की ओर। ध्यान दीजिएगा छतगन, सैन्य कारण, है ना छतगन, जेपीएससी मुख्य परीक्षा के तहत 1857 की क्रांति के कारणों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, और इसके कारणों के तहत अब हम लोग सैन्य कारणों की ओर प्रवेश करेंगे। छतगन, सैन्य कारणों में तीन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम लोगों की पैनी निगाहें जाएंगी, तीन महत्वपूर्ण बिंदु जो कि सैन्य कारणों के तहत आएंगे छतगन, उस पर आपको गौर करना है, ध्यान देना है, मनन करना है, और एक एक चीज़ों को ध्यान रखना होगा छतगन, ध्यान दीजिएगा छतगन, क्या है सैन्य कारणों के तहत तीन महत्वपूर्ण बिंदु। छतगन, पहला बिंदु है डाक शुल्क। छगन, लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय सैनिकों पर 2 पैसे का डाक शुल्क लगा दिया। छगन, प्रारंभ में भारतीय सैनिकों को अपना पत्र अपने रिश्तेदारों, सगे संबंधियों के पास भारत के किसी भी कोने में भेजने के लिए कोई शुल्क नहीं लगता था, परंतु अचानक लॉर्ड डलहौजी ने डाक शुल्क के रूप में 2 पैसे का डाक शुल्क इन पर लगा दिया। छतगन,
प्रारंभ में आप किसी को निशुल्क सुविधा दे रहे हो और अचानक उस पर शुल्क आरोपित कर दोगे तो विद्रोह तो होगा ही छात्रगण। आप किसी को बुलाओगे कि मैं तुम्हें निशुल्क ये उपलब्ध कराऊंगा, आप आइए, और आप वो जाए और आप कहिएगा कि नहीं, उस समय बाद आप कहिएगा कि नहीं अब आपको शुल्क देना होगा, तो निश्चित तौर पर वह व्यक्ति भड़केगा, वह व्यक्ति विद्रोह करेगा छात्रगण। यहां भी वही हुआ। प्रारंभ में सैनिकों को डाक शुल्क से मुक्त रखा गया था, भारतीय सैनिकों को, इन्हें कोई पैसा नहीं देना पड़ता था, लेकिन डलहौजी ने छात्रगण क्या किया, भारतीय सैनिकों पर भी डाक शुल्क लगा दिया 2 पैसे का, इन्हें भी अपने चिट्ठी को भेजने के लिए 2 पैसे का डाक टिकट लगाना पड़ता था। छतगन उस समय 1-1 पैसे का महत्व था, 2 पैसा भी उस समय काफी महत्वपूर्ण माना जाता था। छतगन उस समय 2 पैसे में आदमी 5 केजी चावल खरीद लेता था, सोचिए स्थिति थी। तो छतगन सैनिकों को लगा कि ब्रिटिश सरकार के प्रति हम इतने समर्पित हैं, इतना इनके प्रति हम लोग युद्ध करते हैं, जंग लौते हैं, मारकाट करते हैं, गोली खाते हैं, और तो और हमें समाज से भी निष्कासित कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी बदले में हमें क्या मिलता है, ब्रिटिश सरकार केवल हमारा आर्थिक दोहन करती है, हमें प्रताड़ित करती है, हमारा दमन करती है। छात्रगण इस बात से अंग्रेज के खिलाफ भारतीय सैनिकों का गुस्सा अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया और यह घटना भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण साबित हुई। पूछेगा डाक शुल्क जो 1857 की क्रांति का एक महत्वपूर्ण कारण थी, सैनिकों पर डाक शुल्क किस गवर्नर जनरल ने लगाया था, लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था, कितने पैसे का, 2 पैसे का। आपको मेंस में कैसे लिखना है कि भारतीय सैनिकों को डाक शुल्क से मुक्त रखा गया था, परंतु लॉर्ड डलहौजी ने भारतीय सैनिकों पर 2 पैसे का डाक शुल्क आरोपित कर दिया, 2 पैसे का डाक शुल्क आरोपित कर दिया, आरोपित कर दिया, जिसके कारण सैनिकों के मन में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई, असंतोष की भावना व्याप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट है छतगन, प्रतीक चिन्हों पर रोक। छतगन क्या किया अंग्रेजों ने, हिंदू सैनिकों को कहा आप तिलक नहीं लगा सकते हो, वो बेचारा ठीक है तिलक नहीं लगाया, चलो चलेगा। मुस्लिम सैनिकों को कहा कि आप दाढ़ी नहीं रख सकते हो, आपको दाढ़ी नहीं रखना है, सफा चट रहना है, वो भी बोला चलो यार नहीं रखेंगे दाढ़ी हम, है ना। सिख सैनिकों को कहा आप पगड़ी नहीं बांध सकते हो, आप छतगन सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह ने कहा है एक सच्चे सिख के लिए 5 का अनिवार्य है, केस, कंघा, कवा, कृपान और कच्छा। केस यानी बाल को आपको कभी भी नहीं काटना है, कैची नहीं चलानी है। छतगन सिख लोग अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अपने सिख गुरु 10वें और अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के आदेशानुसार कैची कभी भी बालों पर नहीं चलाते हैं छतगन, इसलिए वो क्या करते हैं, पगड़ी बांधते हैं छतगन, है ना, पगड़ी वो बांधते हैं अपने धार्मिक मान्यताओं के अनुसार। छतगन अंग्रेजों ने जब सिखों पर भी पगड़ी बांधने पर रोक लगा दी तो यह विद्रोह का एक प्रमुख कारण बन गया। छतगन हिंदू सैनिकों के मन में असंतोष हुआ कि हम तिलक नहीं लगा सकते हैं, बताओ ये कितने दुख की बात है, है ना। मुस्लिम सैनिकों के मन में असंतोष हुआ कि हम दाढ़ी नहीं रख सकते हैं, उनके मन में भी असंतोष हुआ। सिख सैनिकों के मन में लगा कि बताओ हमारे सिख गुरु के आदेश को अंग्रेज धत्ता बता रहे हैं और कहते हैं पगड़ी मत बांधो, तो आखिर हम इतने लंबे लंबे बाल कैसे रखेंगे। छतगन ये घटना भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण थी। आपको कैसे लिखना है मेंस में, आपको लिखना है कि हिंदू सैनिकों को तिलक लगाने पर, मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी रखने पर तथा सिख सैनिकों को पगड़ी बांधने पर अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी, जिसके कारण सैनिकों के मन में असंतोष की भावना व्याप्त हो गई, जो कि विद्रोह का एक प्रमुख कारण साबित हुआ। शॉर्टकट में लिखे छतगन, गागर में सागर भरिए, है ना, यही लेखन शैली होती है, यही मुख्य परीक्षा होता है छतगन, ध्यान दीजिएगा, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, है ना। अगले पॉइंट की ओर हम लोग आ रहे हैं छतगन, वेतन, भोजन एवं पदोन्नति में भेदभाव। छतगन भारतीय और अंग्रेज सैनिकों की जब हम तुलना करते हैं तो छतगन भारतीय सैनिक और अंग्रेज सैनिक जो कि एक ही पद पर हैं, भारतीय सैनिक को वेतन बहुत ही कम मिलता था,
मान लीजिए उदाहरण के लिए कि एक भारतीय सैनिक जिसका नाम राम कुमार है, उसको वेतन 200 रुपये मिलता है प्रत्येक माह, तो अंग्रेज सैनिक को एक को 1000 रुपये मिलता था सेम पद पे। चादगन भोजन भी भारतीय सैनिकों को अलग मेस होता था, उन्हें बिल्कुल 100 वा भोजन, यानी जो जानवरों से भी गया गुजरा भोजन होता है, बिल्कुल साधारण भोजन दिया जाता था, जबकि अंग्रेज सैनिकों को बहुत ही स्वादिष्ट पौष्टिक भोजन दिया जाता था। पदोन्नति छतगन, जिसे प्रमोशन कहा जाता है, अंग्रेज सैनिक पदोन्नति करते करते मेजर और कर्नल रैंक तक पहुंच जाते थे, भारतीय सैनिक बेचारा कितना भी जोर लगा ले सूबेदार पद से ऊपर नहीं जा सकता था। और तो और भारतीय सैनिक जब अंग्रेजों के साथ विदेश यात्रा पर जाता था, और अंग्रेज सैनिक भी विदेश यात्रा पर जाते थे, तो अंग्रेज सैनिकों को अलग से भत्ता मिलता था विदेश यात्रा का, भारतीय सैनिकों को वो भी नहीं मिलता था। छात्रगण इतना भेदभाव किया जाता था कि छात्रगण विद्रोह होना तो स्वाभाविक ही था। छात्रगण यह घटना भी विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बनी, भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव की नीति। कैसे लिखना आपको मैं इसमें छात्रगण, आपको लिखना है भारतीय सैनिकों को अंग्रेज सैनिकों की तुलना में वेतन, भोजन एवं पदोन्नति में भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिकों को विदेश यात्रा के दौरान भत्ते नहीं दिए जाते थे, जबकि अंग्रेज सैनिकों को भत्ते दिए जाते थे। अंग्रेज सैनिकों को भत्ते दिए जाते थे। यह घटना भी विद्रोह का एक महत्वपूर्ण कारण साबित हुई। तो यह है छतगन आपके सैन्य कारण, 3 पॉइंट को आपने पढ़ा। डाक शुल्क लॉर्ड डलहौजी ने लगाया था 2 पैसे का, सैनिकों पर विद्रोह हुआ, प्रतीक चिन्हों पर लोग, हिंदू सैनिकों को तिलक लगाने पर, मुस्लिम सैनिकों को दाढ़ी रखने पर, सिख सैनिकों को पगड़ी बांधने पर रोक लगा दी गई थी, स्वाभाविक था विद्रोह तो होना ही था। वेतन भोजन एवं पदोन्नति में भेदभाव, भारतीय और अंग्रेज सैनिकों को वेतन भोजन और पदोन्नति में बहुत ही भेदभाव किया जाता था, यह भी विद्रोह का एक प्रमुख कारण था। भारतीय सैनिकों को विदेश यात्रा के दौरान कोई भत्ता नहीं मिलता था, जबकि अंग्रेज सैनिकों को भत्ता दिया जाता था। तो ये है छात्रगण सैन्य कारण, जिसको आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद हम लोग तात्कालिक कारण की ओर आएंगे छात्रगण, गौर कीजिएगा, जो कि अंतिम कारण साबित होगा 1857 की क्रांति का, ध्यान रखेंगे। छात्रगण तात्कालिक कारण 1857 की क्रांति का एकमात्र था छात्रगण गाय एवं सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस। छतगन 1857 की क्रांति के पहले जो एक परंपरागत बंदूक भारतीय सैनिकों को दी जाती थी, उसका नाम था ब्राउन बेस। क्या नाम था छतगन? ब्राउन बेस था, उसका नाम था ब्राउन बेस, ध्यान रखिएगा छतगन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन लॉर्ड कैनिंग ने छतगन भारतीयों को एक नई राइफल प्रयोग के लिए दी थी, जिसका नाम इनफील्ड था। क्या नाम था छतगन? इनफील्ड था। लॉर्ड कैनिंग ने भारतीयों को प्रयोग के लिए एक नई राइफल दी थी, जिसका नाम इनफील्ड राइफल था। इनफील्ड था छतगन, ध्यान दीजिएगा छतगन, जो इनफील्ड राइफल था वो क्या था और किस तरीके से उसका आपको यूज करना था, इसको ध्यान में रखिएगा छतगन। इनफील्ड राइफल में जो कारतूस भरा जाता था, उसका सील इतना टाइट होता था छतगन कि आपके नाखून कितने भी मजबूत हों आप उसे नहीं खोल सकते हैं। तो उसे कैसे खोलना पड़ता था? दांत लगा के, मुंह में सटा के, ऐसे खींच के खोलना पड़ता था छतगन। उस कारतूस में जो सील लगा होता था, उसमें ग्रीस जो लगाया जाता था, उसमें अंग्रेजों ने गाय और सुअर की चर्बी मिला दी थी छतगन।
इनफील्ड राइफल में जो सील था, जो कारतूस भरा जाता था, उसकी सील में गाय और सुअर की चर्बी की ग्रीस मिला दी गई थी। छतगन हिंदू सैनिक भी मुंह लगा के खोल रहा है, मुस्लिम सैनिक भी मुंह लगा के खोल रहा है। आप जानते हैं हिंदुओं के लिए गाय एक माता है, पवित्रता है, धार्मिक आस्था का प्रतीक है। मुसलमानों के लिए सुअर उतना ही नापाक है, सुअर से मुस्लिम भाई लोग बहुत ही घृणा करते हैं। छतगन अंग्रेजों ने भारतीयों के धार्मिक भावनाओं को तो आघात पहुंचाया ही, उन्हें धर्म भ्रष्ट भी कर दिया। छतगन आप सोचें कि जो व्यक्ति शुद्ध शाकाहारी है, जैसे मंगल पांडे जैसा व्यक्ति जिसने 29 मार्च 1857 को हरसन और बाघ की गोली मारकर हत्या कर दी थी बैरकपुर सैन्य छावनी में, क्यों इसे जैसे ही पता चला कि गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस हमें प्रयोग के लिए दिया जा रहा है, इसने आओ देखा न ताओ और अपने दो सैन्य अधिकारियों की हत्या कर दी। छतगन यहां भी वही चीज हुआ, जैसे जैसे सैनिकों को पता चला कि अंग्रेज उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं, वैसे वैसे यह विद्रोह की चिंगारी फैलने लग गई। और यह विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण था गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस। छतगन गाय हिंदुओं के लिए पवित्र था तो सुअर मुसलमानों के लिए नापाक था, और यही घटना विद्रोह का एक बहुत बड़ा कारण बनी थी। ये घटना जो है 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण थी। पूछे 1857 क्रांति का तत्कालीन कारण किस घटना को आप मानते हैं, गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस, है ना, किस जो है बंदूक में गाय और सुअर की चर्बी से युक्त कारतूस नहीं भरा जाता था, ब्राउन बेस में, किस में भरा जाता था, इनफील्ड में। इनफील्ड की शुरुआत किसने की थी, लॉर्ड कैनिंग ने की थी। छतगन ध्यान रखिएगा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। छतगन आपको कैसे लिखना है मुख्य परीक्षा में, इसको ध्यान दीजिएगा। आपको लिखना है कि भारतीयों को प्रारंभ से ब्राउन बेस नामक बंदूक प्रयोग के लिए दी गई थी परंतु भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इनफील्ड नामक एक नया राइफल भारतीयों को इनफील्ड नामक एक नया राइफल भारतीयों को प्रयोग के लिए दिया था, जिसमें भरे जाने वाले कारतूस की सील में ग्रीस में गाय और सुअर की चर्बी मिला दी जाती थी, जिससे हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिक की भावनाओं की धार्मिक भावनाओं को जबरदस्त ठेस पहुंचती थी तथा यह घटना विद्रोह का तात्कालिक कारण साबित हुई। तो यह है छतगन 1857 की क्रांति के कारण, जो कि मुख्य परीक्षा में बिल्कुल आप इसी अंदाज में लिखोगे, इसी तरीके से आप एक एक चीजों को बतलाओगे तो आपको नंबर निश्चित तौर पर दूसरों की तुलना में अच्छे आएंगे। छतगन यही अंदाजे बयां आपका होना चाहिए। मैं दावा करता हूं कि आप यदि इस तरीके से जैसे जैसे मैंने पॉइंट्स बतलाया है और सारे पॉइंट्स को साधारण शब्दों में डील करेंगे, क्लिष्ट भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करेंगे, तो आपको निश्चित तौर पर दूसरों की तुलना में अच्छे नंबर आएंगे और सफलता का रास्ता खुलेगा। तो आज यहीं पे कक्षाओं को हम लोग छतगन विराम देते हैं। अगली कक्षाओं में छतगन हम लोग जानेंगे 1857 की क्रांति के परिणामों के बारे में। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेरों आशीर्वाद।